धार जिले के पीथमपुर की मनमानी कॉलोनी के रहवासी क्षेत्र में स्थित हाई टेंशन लाइन का मुद्दा अब गर्मा गया है। कुछ दिन पूर्व छत पर पेंटिंग का काम कर रहा था एक मजदूर भी इस हाई टेंशन लाइन में झुलस गया था। इस हाई टेंशन लाइन की वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं अब नगर निगम अध्यक्ष पति संजय वैष्णव ने कलेक्टर को लिखी शिकायत भी की है और रहवासी क्षेत्र से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को हटाने और रहवासी क्षेत्र में चल रही इलेक्ट्रिक रोड बनाने वाली कंपनी को भी बंद करने की मांग की है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। बताइए सर, ये जिस तरह से हाई टेंशन लाइट का एक मामला हाईलाइट हुआ है, आप लोगों ने आवेदन दिया, किस तरह का मामला है और क्या? ये जो मैकेनिक नगर से 33 KV की जो हाई टेंशन लाइन रहवासी क्षेत्र से गुजर रही है, ये एक प्राइवेट लाइन है जो यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन कंपनी जो रहवासी क्षेत्र में छत्रछाया इंडस कॉलोनी के बीच में, ये उसकी प्राइवेट लाइन है। और रहवासी क्षेत्र में जो यूनिवर्सल इलेक्ट्रोड जो राड बनाता है वेल्डिंग, उसमें विस्फोटक सामग्री का भी उपयोग होता है जी। अब प्राइवेट लाइन, नगर पालिका किसी की प्राइवेट लाइन शिफ्ट नहीं कर सकती। उसके पहले MPB की सरकारी लाइन थी, उसको शिफ्ट किया प्रीति नगर तक की जी। लेकिन ये चूंकि एक उद्योग की स्वयं की लाइन है, तो हमने कलेक्टर साहब को नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से पत्र भेजा है कि ये जो उद्योग है रहवासी क्षेत्र में जो विस्फोटक इलेक्ट्रोड रॉड बनाता है, इसको तत्काल प्रभाव से रहवासी क्षेत्र से अनियंत्र स्थानांतरित किया जाए और तत्काल उद्योग को सील किया जाए। और जो 33 KVA की रहवासी क्षेत्र से जो लाइन जा रही है, जिसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, पूर्व में भी मृत्यु हो चुकी है, और इस लाइन को तत्काल उद्योग को शिफ्ट करते बंद करते हुए इस लाइन को तत्काल डिसकनेक्ट किया जाए, ये मांग पत्र कलेक्टर महोदय को दिया है। कलेक्टर महोदय ने तत्काल इस पर कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित लोगों को जारी करने का आश्वासन दिया है। आपका नाम और पत्र? उद्योगपति से मैंने स्वयं भी बोला है कि अगर ये उद्योग, अगर आपने तत्काल इसको बंद नहीं किया और स्थानांतरित नहीं किया, तो जो एक्सीडेंट हुआ, पीड़ित परिवार की तरफ से आपके खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। आपका नाम और पत्र? संजय वैष्णव, भारतीय जनता पार्टी पीथमपुर, अध्यक्ष प्रतिनिधि। भाई साहब, ये जो हाई टेंशन लाइन गुजरी हुई है, इससे किसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या है मामला? ये यूनिवर्सल कंपनी है, इसकी ये पर्सनल लाइन है और यहाँ पर कई, इस लाइन से बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। कॉलोनियों में भय का माहौल है। कई बार अभी कुछ दिन पहले भी एक बच्ची जल के एक्सपायर हो गई, कई एक व्यक्ति का हाथ खराब हो गया, कई लोग ऐसे हैं, अनेकों मौत हो चुकी है इस लाइन से। और ये यूनिवर्सल कंपनी की पर्सनल लाइन है, और अभी यूनिवर्सल कंपनी को तहसीलदार महोदय और पटवारी साहब लोगों ने कंपनी को कलेक्टर साहब का उस पर, अगर वो भर नहीं रहे थे उनका बचा हुआ पैसा, इसके कारण उसको बंद भी कर दिया गया है। पर ये लाइन नहीं बंद हो रही है, कई दिनों से रहवासी परेशान है, सभी जगह ज्ञापन दे दिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने अभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस लाइन को बंद कराएंगे, तो जल्द से जल्द हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द लाइन बंद। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि जो कंपनी है उसके भीतर कुछ लोहे के राड बनते हैं जो विस्फोटक सामान का प्रयोग होता है, और कंपनी जो है वो रेसिडेंटल इलाके में, इससे भी खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है। आसपास कितने हजार लाखों लोग रह रहे हैं और ये कंपनी पूरे कॉलोनी रेसिडेंशियल इलाके के बीच में ये भयानक राड बना रही है। इसकी मांग पूर्व में भी पार्षद सुभाष जी जायसवाल ने इस कंपनी को बंद करने के लिए करी थी, और आगे भी हम लोग सभी लोग मिलकर कलेक्टर साहब के पास जाके इसकी मांग रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।